हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में गाइस। तो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका बूटस्ट्रैप 5 फुल ट्यूटोरियल सीरीज का, जिसमें हम कवर करेंगे जीरो टू एडवांस लेवल का, जिसमें हम कवर करेंगे सारा कुछ बूटस्ट्रैप 5 के अंदर न्यू फीचर्स एंड बूटस्ट्रैप 5 को कैसे यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। एंड इसके बाद अगर आपको बूटस्ट्रैप 4 की नॉलेज हो या ना हो, तब भी मैं इसमें आपको बूटस्ट्रैप 5 इस तरीके से सिखाऊंगा कि आपको क्या करना होगा कि पूरी की पूरी सीरीज देखने के बाद खुद मैं आपको यहाँ पे 10 रियल प्रोजेक्ट्स बना के दिखाऊंगा, जिसमें कि आपको एडवांस लेवल होगा पूरा। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि रियल मार्केट में कैसे काम करते हैं एंड उसके थ्रू आप बूटस्ट्रैप के थ्रू अपने टेम्पलेट को कैसे बनाते हैं गाइस। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो ये बूटस्ट्रैप का पार्ट 1 है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बूटस्ट्रैप अभी है क्या। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा टाइटल में कि बूटस्ट्रैप 5 फुल ट्यूटोरियल। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि बूटस्ट्रैप 5 फुल ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट। ओके, इस प्लेलिस्ट का ना डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा हर वीडियो के नीचे। तो आपको अगर आप किसी भी वीडियो पे हो और अगर आपने मिस कर दिए कोई वीडियो, तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट पे जाके अपनी पिछली वीडियो को देख के रिवाइज करके एंड देन इस वीडियो पे आना होगा, पहली चीज। एंड सेकंड, हम क्या करेंगे इसके अंदर कि हम इसमें ना 50 वीडियोस कवर करने का कोशिश करेंगे, जिसके अंदर मैं सारा का सारा टॉपिक कवर करूंगा। 50 से ज्यादा भी हो सकता है, बट एक मेरा टारगेट है कि 50 कवर करेंगे विद लाइव एग्जांपल के साथ। एंड उस एग्जांपल में मैं आपके सारे के सारे डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा कि कैसे यूज करते हैं, कैसे उसको मॉडिफाई करते हैं अपनी सीएसएस से, एंड बूटस्ट्रैप को कैसे यूज किया जाता है अपने प्रोजेक्ट में। एंड उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आपको क्या करना है, पहले तो अगर आप नए हैं तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, कमेंट में कमेंट करना है अपना। एंड उसके बाद मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करके आपका डाउट क्लियर कर दूंगा गाइस। ओके, सो गाइस देखते हैं हम अपना सबसे पहले इसके अंदर। सबसे पहले आपको यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको बूटस्ट्रैप 5। ओके, कि बूटस्ट्रैप है क्या। सबसे पहले बूटस्ट्रैप के तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है बूटस्ट्रैप 5, एंड इसके अंदर लिखा है मैंने यहाँ पे ओवरव्यू। ओवरव्यू में क्या आएगा कि हम सबसे पहले देखेंगे कि बूटस्ट्रैप है क्या एंड बूटस्ट्रैप क्यों यूज करना चाहिए। सबसे पहला मेन क्वेश्चन आपका कि बूटस्ट्रैप आपको क्यों यूज करना है, जो काम आप सीएसएस से कर सकते हैं तो बूटस्ट्रैप ऐसा क्या करता है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है आपका व्हाट इज अ बूटस्ट्रैप। ओके, तो बूटस्ट्रैप में सबसे पहले आपका आंसर यहाँ पे क्या मिलता है आपको, क्विकली डिजाइन एंड कस्टमाइज रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट साइट्स। ठीक है, इट मींस कि इसका मतलब है आपका पहले तो डिजाइन तेज होगा, कस्टमाइज होगा एंड मोबाइल रिस्पॉन्सिव होगा सबसे पहले। एंड उसी के साथ में यहाँ पे आपको बूटस्ट्रैप देता है कि विद बूटस्ट्रैप द मोस्ट पॉपुलर फ्रंट एंड ओपन सोर्स टूल टिप, कि ये वर्ल्ड का सबसे फेमस है, जैसे कि यहाँ पे इस लाइन में आपको क्लियरली हो रहा होगा, क्योंकि और भी हमारे पास इसके तरह फ्रेमवर्क है सीएसएस के, बट हम उसको यूज ना करके, और आपने भी उनका नाम नहीं सुना होगा, इतना मार्केट में यूज होते हैं बट उनमें ये सबसे ऊपर एंड टॉप पे है, ध्यान रखिएगा। एंड इसमें हमारे पास क्या क्या अवेलेबल होता है, हमारे पास सैस वेरिएबल्स होते हैं, हमारे पास मिक्सिंग होते हैं एंड रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम इनका है जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ओके, प्री बिल्ड कंपोनेंट एंड पावरफुल जावास्क्रिप्ट प्लगइन्स। ये आपने देखा होगा कि जब बूटस्ट्रैप के टेम्पलेट्स में, ओके, कि बूटस्ट्रैप क्या करता है कि अपने ग्रिड सिस्टम के साथ में उसके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बनी हुई रहती हैं, जैसे कि लाइक की मॉडल स्लाइडर एंड बहुत सारी टूल टिप्स, बहुत सारी चीजें, तो वो सारा कुछ पहले से ये क्या करता है, कंपोनेंट बना के रखता है, बस आपको वहां से कॉपी करना है एंड यूज कर लेना है अपने प्रोजेक्ट में। एंड इसके बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर मैंने कुछ चीजें सिंपल करने के लिए रखी हैं कि इन सिंपल टर्म्स में इसको कैसे बोला जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बूटस्ट्रैप इज अ ग्रैंड कलेक्शन ऑफ हैंडलिंग, इट मींस कि यहाँ पे क्या है, एंड यूजेबल बिट्स ऑफ कोड राइटिंग इन एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। ये क्या है यहाँ पे, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यही है सिंपल कि बूटस्ट्रैप के पास सबसे पहले कलेक्शन बहुत अच्छा है जो कि हमारे प्रोजेक्ट्स में काम आता है, एंड सेकंड थिंग कि उसके पास जो कोड लिखा हुआ है ना उनका, वो रीयूज के लिए लिखा हुआ है। ओके, सपोज लाइक कि आपने बूटस्ट्रैप की कोई क्लास यूज कर ली, अब वही क्लास आपको कहीं और यूज करनी है तो आप क्लास थोड़ी ना चेंज करेंगे, बट जब आप अपने सीएसएस में होते हो तो आप क्या करते हो उसमें कि आप डिफरेंट डिफरेंट सीएसएस लिखते हो दोनों चीज के लिए। ओके, बट यहाँ पे आपके पास क्या क्लासेस बनी रहती हैं, आईडी बनी रहती हैं, चीजें बनी रहे हैं आपके पास कंपोनेंट, उसको आप डिफरेंट यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे। अब इसमें क्या है कि सेकंड देखिए, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है आपका, इट्स ऑल्सो अ फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क दैट अनेबल्स डेवलपर्स एंड डिजाइनर टू क्विक बिल्ड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स। ओके, इसमें आपका क्या है कि फ्रंट एंड डेवलपर जितना भी आपका काम करते हैं ना, वो डिजाइनर हो या आपका डेवलपर पास से हो, तो उसमें क्या होता है कि वो बहुत जल्दी एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं गाइस। ठीक है, इसमें यही है, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी वेबसाइट बन जाती है, और अगर आपको कस्टमाइज करनी है तो वो भी इसमें ऑप्शन रहते हैं आपके पास बूटस्ट्रैप के अंदर। एंड बूटस्ट्रैप आपका पता है ना एक फ्रेमवर्क है। ओके, और फ्रेमवर्क के पास क्या होता है, पूरा का पूरा कलेक्शन होता है, और जब एक लाइब्रेरी यूज करते हैं तो लाइब्रेरी में हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं बट उतनी नहीं होती जितनी फ्रेमवर्क के पास होती है। तो बूटस्ट्रैप के पास क्या है कि ऐसा फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप कि जिसने क्या कर रखा है कि एक अपना ही एनवायरनमेंट बना रखा है, जिसमें कि उसके पास आपका बटन है, हेडर है, सब कुछ है, एक पेज पे जितनी चीजें आपको चाहिए होती है ना एक वेबसाइट में, वो सारा कुछ उसने ऑलरेडी पहले से बना के रखा हुआ है, बस आपको क्या करना है उनके डॉक्यूमेंटेशन को रीड करना है एंड उसके अकॉर्डिंग उसको यूज करना है अपने प्रोजेक्ट में। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं आपका इसमें क्या है, यहाँ पे बूटस्ट्रैप इज कम्प्लीटली फ्री फर्स्ट टू यूज इन पर्सनल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस लाइन में क्या कह रहा है कि आपका सबसे पहले तो बूटस्ट्रैप फ्री है। ओके,
उसके कोई चार्जेस आपको देने नहीं होते, वो ओपन सोर्स है पहले तो, एंड उसके बाद आप उसको पर्सनल प्रोजेक्ट एंड कमर्शियल दोनों में यूज कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि मार्केट में 50% एंड 60% एवरेज जितना मैं आपको बता रहा हूँ कि सब कुछ आपका बूटस्ट्रैप पे कन्वर्ट है। आप वर्डप्रेस में भी चले जाएं, आप कस्टम में आ जाएं, आप किसी भी थीम वाली वेबसाइट पे जाके देखेंगे ना, आपको बूटस्ट्रैप में टेम्पलेट जरूर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें यही है कि आपको रिस्पॉन्सिव मिलता है, और रिस्पॉन्सिव में आपको क्या है कि लार्ज स्क्रीन हो, डेस्कटॉप हो, आईपैड हो एंड मोबाइल हो, ये सारे स्क्रीन कवर करके चलता है बहुत ईजिली। ओके, एंड ये सारा कुछ हम कवर करेंगे जिस ट्यूटोरियल सीरीज में। ओके, एंड इसके बाद आप देखते हैं फोर्थ पॉइंट, एंड फोर्थ पॉइंट में आपका क्या है यहाँ पे, बूटस्ट्रैप सेव्स यूर फ्रॉम राइटिंग लॉट्स ऑफ CSS कोड। यस, इसमें क्या है कि आपका CSS का जो कोड होता है ना बहुत ज्यादा कस्टम, उस कस्टम से आपको बहुत सारी चीजें कम कर देता है ये, आपको बहुत कुछ लिखना नहीं पड़ता इसमें। तो जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा ना, जैसे जैसे मैं आपको सिखाऊंगा तो आप खुद इस चीज को समझेंगे कि कितनी कम CSS में काम होता है। अगर आपने HTML CSS सीख रखा है तो, अगर आपने नहीं सीखा है तो आप HTML CSS पहले देखिए, बेसिक पढ़ लीजिए, एंड बेसिक पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे ये चीजें समझ में आने लगेंगी। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पे आने पे आपको यहाँ पे दिखेगा, सबसे पहले आपको मैंने यहाँ पे लिख रखा है बूटस्ट्रैप। ओके, कि बूटस्ट्रैप सबसे पहले कब लॉन्च हुआ, उसके बाद उसमें क्या क्या चेंजेस आए, एंड ये बूटस्ट्रैप 5 बना कैसे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपका वर्जन हिस्ट्री बोलते हैं उसको। तो वर्जन हिस्ट्री में आने के बाद सबसे पहले आप देखेंगे, अब यहाँ पे फर्स्ट वर्जन रिलीज में सबसे पहले आपको दिख रहा होगा 2011, यहाँ पे मैंने लिखा है @Twitter। अब आपको पता है बूटस्ट्रैप किसने बनाया, बूटस्ट्रैप बनाया है आपका ट्विटर ने। ध्यान रखिएगा इस बात को, कोई भी अगर आपको इंटरव्यू के टाइम पे कोई क्वेश्चन आता है आपका प्रैक्टिकल एंड थ्योरी में, तो आप क्या बताएंगे वहां पे कि बूटस्ट्रैप किसने रिलीज कराया, अपना ट्विटर ने। ठीक है, एंड इसके बाद और फर्स्ट कब आया था, 2011 में, ध्यान रखिएगा इस बात को। टोटल नंबर ऑफ रिलीज ध्यान रखिएगा, कितनी बार रिलीज हो चुका है अभी तक, 20+ रिलीजेस हो चुके हैं इसके अभी तक, जिसको अभी तक हमने देखा है। एंड इसमें क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं वो देखिए, इंक्लूडिंग 3 मेजर चेंजिंग रीराइट्स। रीराइट्स मतलब क्या होता है कि जब आपका कोई एक वर्जन लॉन्च होता है ना, तो सेकंड वर्जन के बाद आपका एक नया वर्जन इसलिए लॉन्च होता है क्योंकि वो जो उस वर्जन में जितनी भी चीजें होती है ना, उससे वो अपग्रेड होकर आती है वो चीजें। तो यहाँ पे आपका V2 इट मींस कि वर्जन 2 है, ध्यान रखिएगा। V3 इट मींस कि वर्जन 3 है आपका, एंड V4 जो बूटस्ट्रैप 4 जो अभी तक चल रहा था, जिसके बाद अब आपका इसी 5 मई 2021 को आपका जब बूटस्ट्रैप 5 लॉन्च हुआ, तो उसके बाद अब बूटस्ट्रैप 5 यूज होने लग गया। अब धीरे धीरे सब लोग स्विच करेंगे 5 पे, जैसे कि आप देखेंगे, बट अभी इतना जल्दी तेजी से मूव नहीं होगा क्योंकि बूटस्ट्रैप 4 ऑलरेडी मार्केट में चल रहा था, उस पे टेम्पलेट बने हुए हैं। हाँ, बट चीजें अब धीरे धीरे स्लोली आपकी स्विच होती जाएंगी बूटस्ट्रैप 5 पे, जैसे कि जैसे आप देखते जाएंगे। ओके, एंड इसके बाद आपका क्या आता है यहाँ पे देखेंगे आप, करंट स्टेबल वर्जन कौन सा है आपका बूटस्ट्रैप 5, जो कि हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे की पूरी सीरीज में। ठीक है, डिटेल में, क्योंकि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है। एंड अगर आप कोई पूरी सीरीज अगर आप देख लेंगे ना, तो मैं डैम श्योर कह रहा हूँ आपको कि बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी बूटस्ट्रैप के अंदर की। ठीक है, एंड इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लेटेस्ट वर्जन रिलीज। अब लेटेस्ट वर्जन रिलीज में आपको क्या है, मैंने आपको बताया बूटस्ट्रैप 5 है, एंड ये बूटस्ट्रैप 5 में सबसे पहले बूटस्ट्रैप 5 का जो बेटा वर्जन और अल्फा वर्जन आया था, कि अल्फा वर्जन का जो डेट था वो अगस्त में 2020 में आया था, जब ये आपका क्या हुआ था कि डेवलपर मोड पे था। ओके, बट इन्होंने रिलीज कर दिया था जिससे कि टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी थी, बहुत सारे लोग यूज कर रहे थे, देन उसके बाद में हम उनके बारे में बता रहे थे फीडबैक कि उसमें क्या एरर है क्या नहीं है। देन उसके बाद इन्होंने क्या करा, स्टेबल वर्जन को इन्होंने इसी मई में 2021 को इन्होंने लॉन्च कर दिया, जिससे कि हम इसको परमानेंटली अब यूज कर सकते हैं एंड इसमें आप अपना एक प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं। और इसी चीज के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखे हैं जिसमें मैंने प्रोजेक्ट बना चुका हूं मैं, रियल प्रोजेक्ट बूटस्ट्रैप 5 पे। अगर आप ऑलरेडी को आपको पता है कि बूटस्ट्रैप 4 कैसे था, आपने काम कर रखा है, आपको टेम्पलेट बनाना आता है, तो आपको अगर टेम्पलेट सीखना है, मैंने ऑलरेडी बूटस्ट्रैप 5 की 2 रियल प्रोजेक्ट्स अपलोड कर दिए हैं, वो आप देख सकते हैं। बट अगर आपको बिगनर हो तो आप इस सीरीज में कंटिन्यू रहें, आपको मैं डिटेल में कवर करूंगा इस चीज के लिए। ठीक है, इसके बाद अब देखेंगे आप नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में आपके पास यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नेक्स्ट व्हाट इज अ न्यू। ओके, व्हाट इज अ न्यू बूटस्ट्रैप 5। अब जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है ना आपका, उसमें हम क्या करेंगे कि बूटस्ट्रैप 5 में क्या क्या नई नई चीजें आई हैं, वो सारा कुछ हम कवर करेंगे। और जहां जहां पे हम थ्योरी कवर करेंगे और हमें लगा कि मेरे को प्रैक्टिकल वहां पे बताना चाहिए, तो मैं प्रैक्टिकल भी आपको एग्जांपल 7x7 देता चलूंगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड गाइस चैनल पे बने रहें। इस सीरीज में आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए टिल देन जय हिंद गाइस।